हेलो माय लवली फ्रेंड्स, हेलो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और इतने टाइम से मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था और बहुत पुराना व्लॉग मतलब मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, और दिक्कत ये थी कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। हर बंदे के ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसी चीज़ की वजह से। बस ये था कि मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि आदमी विदाउट एनी टेंशन के कर सकता है, लेकिन इस बीच फिर मैंने एक चीज़ और जानी, टेंशन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती ज़िंदगी के अंदर। और टेंशन को अगर हम दिमाग में लेके चलें कि टेंशन अगर हमारे वर्कलोड से ज़्यादा हावी है और टेंशन की वजह से अगर हम अपना काम भूल जाते हैं तो वो भी एक गलत चीज़ है। क्यों ना टेंशन को भगाने के लिए हम वो काम करें जो हमारी खुशी के लिए हो। हो सकता है उस काम को करने से आपको खुशी मिले, जो टेंशन से आपको जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो हो सकता है कि कुछ ऐसे काम जो आपके मन में है करने के लिए, उन सब कामों को करके वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो। दूर करना भी हमारे ही बस में है कि हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करके हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इतने टाइम बाद मेरा व्लॉग इसलिए आ रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था और अभी भी है। वैसे पूरा अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी में तो खैर, लेकिन प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो मैंने सोचा आज, मतलब कल सोच लिया था मैंने कि अब से मैं व्लॉग हमेशा बनाऊंगा। 2020 आया, इसमें मैंने ये भी सोचा कि मैं अब वो सारे काम करूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखो आदमी को, बंदे को हर वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मतलब आप अपनी तरफ से वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, जिस काम करने से आपको खुशी मिलती हो। मेरे साथ क्या था, अभी भी है कि बहुत से लोगों के घर में देखो ऐसा होता है कि हर कोई कि ये प्रेफर नहीं करता कि आप मतलब ब्लॉगिंग करो ये और वीडियोस बना के आप अपलोड करो। बहुत से घरों में कुछ कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो चीज़ मेरे घर में भी थी और अभी भी है, लेकिन उनको अपनी टेंशन मान लेना एक गलत चीज़ रहेगी, एक गलत चीज़ हो जाएगी। उनसे क्या है कि अगर हम उनकी भी थोड़ी थोड़ी बात माने और उनकी बात मानते मानते अपना काम करते चलते रहें, अपना भी काम पूरा होता रहे, तो सबसे अच्छी बात तो वही है। क्योंकि देखो हर बंदा सारे काम वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है। सुनो सबकी, सबकी सुनो, लेकिन करो जो आपका दिल कहता है, क्योंकि खुशी आपको अगर जो काम आपको अच्छा लगता है उस काम को करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो आप वो काम करो। और वैसे भी आजकल क्या है ना कि मैं आज देखो, एक तो मैंने बहुत सी चीज़ें, ये जो नया साल आया इस पे तो मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हैं। एक तो फिटनेस पे भी ध्यान देना और व्लॉगिंग रेगुलर रहे मेरी, मैंने ये चीज़ सोची है। सुबह उठ, बड़ी ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है, सुबह उठने में ही बहुत आलस होता है, लेकिन आज सुबह मैं उठा और ये चीज़ मैं 3 दिन से मतलब सोच रहा था उठने की। एक हफ्ता मतलब बीत चुका है मेरा सोचते सोचते कि जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, पर प्रॉब्लम ये थी कि एक तो आलस, दूसरी चीज़ आलस के चक्कर में हम उठ नहीं पाते हैं। और अगर मैंने सोचा कि एक बार देखो, कसम से कह रहा हूँ, ठंड में सुबह जल्दी उठने का मज़ा ही अलग है। सुबह 6 बजे उठा, बेशक कोहरा था, लेकिन सुबह जो मज़ा था ना उठने का, भाई साहब अलग ही मज़ा था। आपके पास इतना टाइम होता है सुबह उठने के बाद, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने लिए आज आपको क्या करना है आप सोच सको, और सुकून मिलता है सुबह उठ के। एक खाली जो समय होता है ना, अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठ रहे हो या 6 बजे भी उठ रहे हो, तो आपके पास वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का, 9 बजे तक का या 8 बजे तक का, जब भी आपकी जो भी टाइमिंग है जो डेली बेसिस की है,
उन 4-5 घंटों में आपके पास बतेरा टाइम होता है कि आप कुछ सोच सकते हो कि आज आपको क्या नया करना है। तो मैंने भी ये चीज़ सोची थी, और सच में मैं अब से जो जैसे आज का व्लॉग मेरा इस चीज़ पे ही था कि यहाँ भी मैंने पहले वीडियो 3-4 बनाई थी, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो सिर्फ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और मैं उनको मतलब अपने ऊपर हावी कर लिया था उन प्रॉब्लम्स को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सुबह उठो और सुबह उठ के सबसे पहले ये सोचो कि आपको क्या करना है, और 3-4 घंटे में बहुत मतलब खाली टाइम होता है उसमें आप जिम करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है कि आपके माइंड में एक पावर आती है, कि जोश आता है कि हाँ भी आपको ये करना है, एक डेडिकेशन मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है। कि पर उन 4-5 घंटों में बहुत टाइम होता है कि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए आप कुछ सोच सको। मैंने सोचा है आज से कि व्लॉगिंग चालू कर दूंगा, और मेरा देखो मेरा तो ये रहेगा कि मैं डेली बेसिस पे, कोशिश यही रहेगी मेरी कि डेली बेसिस पे होता रहे, मेरी व्लॉगिंग अपलोड होती रहे। सबकी ज़िंदगी सबके अपने अपने हिसाब की है, उन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज है, लेकिन आपको ये देखना है सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे और उस सिचुएशन के साथ कैसे आपको लड़ना है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है। तो सुबह उठने का जो मज़ा है ना भाई साहब, बस क्या बताऊँ। और आपको ज़्यादातर व्लॉग आपको आजकल सुबह के ही देखने को मिलेंगे कि सुबह ही मैं व्लॉग बनाऊँगा ज़्यादातर, और वैसे भी बनाऊँगा, लेकिन क्या है कि सुबह उठ के जो एनर्जी मिलती है ना, वो एक अलग ही एनर्जी होती है। तो टाटा बाय बाय, शुक्रिया। तो माय लवली फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और थोड़ा मोटिवेशन भी मुझे मिलेगा अगर आप मुझे पसंद करेंगे, मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे, और फिर और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। तो थैंक यू।